भी 60 है और ये भी 60 और कैनन का 30 है. कैनन का 30 है. ये 9000 का है सिंगल में, लेकिन ये बिल्कुल स्मॉल साइज में 19500 डबल में. ड्यूल में? ड्यूल में ये 23000 पीस का है. अच्छा, ये क्रोमा के लिए भी काम आता है? ये क्रोमा ही होता है, इसको क्रोमा ही बोलते हैं. मतलब ये तीनों सिंगिंग के लिए है. हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम. आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल. मैं हूं जहाज़ीब जमशेद. एक बार फिर से आप लोगों को कैमरे की मार्केट में लेकर आया हूं. यहां पर आपको कैमरे की प्राइस से अपडेट देंगे. तो चलिए खुर्रम साहब के पास चलते हैं, देखते हैं इनके पास कैमरे में कौन कौन से मॉडल हैं और एसेसरीज जो हैं उनमें भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इनके पास मौजूद है. तो आइए खुर्रम साहब से मुलाकात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. मालिक कैसे? ये बताएं कौन कौन से मॉडल हैं कैमराज में? कैमरे में तो तकरीबन वही मॉडल चल रहे हैं अभी. तो नया मॉडल तो कोई भी नहीं फिलहाल नहीं आ रहा है कोविड की वजह से. हाँ, ये कि एसोसीज में नया मॉडल बहुत सारे. व्यूवर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, व्यूवर्स चाहते हैं कि कोई ऐसा कैमरा हो अच्छा जो व्लॉगिंग में भी बेस्ट हो और प्राइस में भी कम हो, और एसेसरीज में जो माइक वगैरह जो भी अच्छी क्वालिटी के माइक है लो प्राइस में, वो आप बताएँ व्यूवर्स को. बस कैमरे में तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर हुए हुए हैं. हाँ, सामान जो एसेसरीज है वो तो इस वक्त सस्ती प्राइस में आए हुए, लेकिन कैमरे में दिखा देता हूँ, लेकिन इस वक्त हर चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा हैवी हुए हैं. तो प्राइस इंक्रीज़ होने की वजूहत क्या है? कोविड की वजह से बाहर माल नहीं आ रहा, बाहर से इनकी प्रोडक्शन बंद हुई है, माल नहीं आ रहा, यहाँ पे पाकिस्तान में भी माल नहीं आ रहा. तो जो कोविड का जो असर था ना वो अब जाके शुरू हुआ है, लेकिन ख़त्म होने का चांस जो है इस साल के एंड तक में है, फिर जनवरी के एंड तक में हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर तक माल आना प्रॉपरली शुरू हो जाएगा. अच्छा, कोविड का असर जो है प्रोडक्ट्स पर भी हो रहा है? ऐसी बात है, पहले कंपनियाँ बंद थी, अब कंपनियाँ खुली हैं. अब खुली हैं तो पूरी दुनिया से ऑर्डर जा रहे हैं. तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है, बहुत लिमिटेड यहाँ पर है डिमांड, इस लिहाज से तो ज़रा ही बहुत देर लगेगी. अच्छा, लो प्राइस में कोई अच्छे कैमरे दिखाएं व्यूअर्स को? मैं दिखाएं. तो दो कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं, एक सोनी का है, एक कैनन का है. जी खुर्रम साहब, ये दो कैमरे लो प्राइस में? ये अलग अलग प्राइस में नहीं, लो प्राइस में कम से कम जो व्लॉगिंग का चल रहा है वही कैनन का आ रहा है, जो 85000 का अराउंड है. अराउंड 85000 का अराउंड है. कैनन का 250D. ठीक है, 250D है. जी हाँ, लेकिन पहले का मॉडल था, पहले इसके रेट थे 72-75 तक के, अभी 82-85 के रेट चल रहे हैं. इसमें दो वेरियंट आ रहे हैं, एक 82 वाला आ रहा है, एक 85 वाला आ रहा है. ये 85 वाला है. इसके अलावा ये सोनी का है, सोनी का ये 6400 है, ये भी बहुत अच्छा मॉडल है. ये जो पड़ेगा 152 का है. 152 का जी. अच्छा, सब तो में बेसिक 4K HDR जी सपोर्ट है इसमें. ये दोनों में ही 4K दिया हुआ है. ये सोनी में भी 4K है, ये व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट है, और ये आजकल प्रोफेशनल भी यूज़ हो रहा है. इसमें लेंस भी 16x50 का लेंस है, और प्लस जी हाँ, और प्लस ये सोनी का वारंटी कार्ड साथ है इसमें. इसी वारंटी कार्ड से वारंटी क्लेम होगी वरना नहीं होगी. ये बताएं ये वारंटी कितने साल की होती है इसमें? 1 ईयर वारंटी होती है इसकी. 1 ईयर वारंटी है इसकी. कैनन में कितनी वारंटी? कैनन की भी 1 ईयर वारंटी होती है. ये कैनन का मॉडल है जी हाँ. इसमें अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव जूम कितना है? 18-55. अच्छा, 18-50. और ये STM वाला आता है और एक नॉन STM आता है. ये STM वाला है और आजकल प्राइस बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहे हैं. अभी तो फिलहाल आपने कहा नॉन STM, ये नॉन STM जो है इसमें आपका साइलेंट मोटर नहीं लगी होती है. STM में साइलेंट मोटर होती है, जब वीडियो बनाते हुए ना आपका जो आवाज़ आती है जो फोकसिंग की उसमें आवाज़ नहीं आती. और ये प्राइस का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं भरोसा होता किस वक्त क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए. फिलहाल ये 85 का है, ये नहीं पता कि एक घंटे बाद 86 का 87 का हो जाए, कुछ भी नहीं मालूम. फिलहाल 85 का और ये 152 का है. अच्छा, बताएं कि बैटरी टाइमिंग कितनी है? 2 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से होता है, कोई इशू नहीं. बैटरी का कोई इशू नहीं होते हैं. 2 घंटे तक बैटरी बैकअप, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह सब इसमें आप यूज़ कर लें. मतलब ये हर लिहाज से बेस्ट है. इस वक्त व्लॉगिंग के लिए तो है ये मॉडल बेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा ही चल रहा है. थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो पैनासोनिक का आ रहा है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको. अच्छा, ये बताएं खुर्रम साहब, इन दोनों के जो फीचर्स हैं इनमें क्या फ़र्क है स्टडी शॉट वगैरह में? कैनन में जो है वो आपका 30 फ्रेम पर सेकेंड है 4K में. इसमें जो है 4K में 120 फ्रेम पर सेकेंड और 60 फ्रेम पर सेकेंड तक जाता है. सोनी का और 60 फ्रेम पर सेकेंड पर जाता है, इसमें 30 फ्रेम पर सेकेंड 4K में. जी हाँ जी हाँ. अच्छा, ऑडियो दोनों में डॉल्बी है? जी, डॉल्बी इसमें ऑडियो है, ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है. सोनी में भी डॉल्बी है, कैनन में भी डॉल्बी होता है, डॉल्बी ऑडियो है. और इससे जो बेहतर चल रहा है वो इस वक्त जो इन दोनों के रेंज में सबसे बेस्ट चल रहा है वो चल रहा है पैनासोनिक का G85K. पैनासोनिक का G85 जी, ये हर लिहाज से बेस्ट आएगा सोनी से. लेकिन बस पैनासोनिक नाम है तो लोग बात बहुत सारे पीछे हटते हैं. लेकिन प्राइस कितनी है? ये 97000 का है. 97000 का. और फीचर्स क्या कहना है? वही 4K है, माइक्रो फोर थर्ड है, और ये 1442 का लेंस है. सब वही फंक्शंस होते हैं जिसमें सब में स्टैंडर्ड है. 1850 अच्छा, ये बताएं खुर्रम साहब, ये तीनों लेंस के साथ हैं अलग? जी हाँ, पूरी किट साथ है इसमें, पूरी किट होती है. वैसे तीन कैमरे मैं देख रहा हूँ इस वक्त, तीन कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं. इनमें
सबसे बेस्ट कौन सा? तीनों बराबर है, तीनों अपनी जगह के हैं, तीनों अपनी जगह, कोई सा भी ले लें कोई फर्क नहीं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है? नहीं नहीं कोई फर्क। अच्छा, इसमें जो है रिकॉर्डिंग जो स्टडी शॉट है कितनी वो फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड करते हैं? 60 फ्रेम पर है। ये 60 फ्रेम पर है, ये 60 फ्रेम पर है 4K में। ये 60 प्लस 120 तो फुल एचडी में जाएगा, 120 4K में। 4K में। और ये सिर्फ 30? नहीं, ये भी 4K में 60 है, फुल एचडी में 120 है। अच्छा, फुल एचडी में 120 है, 4K में 60 है। ये भी 60 है और ये भी 60, और कैनन का 30 है। कैनन का 30 है, कैनन का 4K में 30 है जी। ठीक है। अच्छा, आपने तीन मॉडल दिखाए, ये बताएं स्टडी शॉट वगैरह तमाम फीचर इनमें सेम है? तीनों में सब में सेम होते हैं सर। सिर्फ ब्रांड का मेक का फर्क, सिर्फ कैनन में ये फर्क है कि 4K में 30 फ्रेम रेट रिकॉर्ड करता है और थोड़ा आपके ये मिरर लेस नहीं है, बाकी दोनों मिरर लेस हैं। अच्छा, दोनों मिरर लेस हैं। अच्छा, ये बताएं कि ऑडियो वगैरह सब में? जी हाँ जी हाँ, ऑडियो वगैरह सब, माइक पिन सब में दिया हुआ है आपको, माइक पिन सब में। अच्छा खुर्रम साहब, बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे हैं कि यूज़ में अच्छा कैमरा है, तो वो दिखाएं कि आपके पास यूज़ में आ रहे कैमरे? यूज़ में अभी मेरे पास सारा माल भी ख़त्म हो गया, तकरीबन एक हफ्ते के बाद दोबारा माल आएगा। आप ज़रा लेट हो गए ना आप लोग, अब तो असल मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे। बहरहाल यूज़ में अभी मेरे पास था, अभी ख़त्म हुए हैं। ये है कि नेक्स्ट वीक में या 3-4 दिन में इंशा अल्लाह माल आने का है, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा, मैं आपको बोल दूंगा, आप पैकेज कर लीजिएगा। यूज़ में आपके पास कैमरे मौजूद? अभी फिलहाल जो यूज़ में है वो आपके मतलब के नहीं है, मतलब वो नॉर्मल मॉडल हैं लगे हुए आगे काउंटर में, लेकिन जिस तरह का आपको चाह रहे हैं उस तरह के अभी नए मॉडल जो है वो मेरे पास यूज़ में नहीं है। ओल्ड मॉडल तो अवेलेबल हैं, न्यू मॉडल में इंशा अल्लाह 2-3 दिन में माल आ जाएगा, तो मैं आपको कन्फर्म कर दूँगा। हम साहब, ये यूज़ में कैमरे? ये सारे यूज़ में कैमरे हैं, ये लेंसेज यहाँ पे रखे हुए हैं, कैमरे वहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, इनकी प्राइस कितनी है यूज़ में? वही 30,000, 35,000, 40,000, 25,000, जैसे कैमरे वैसे पैसे। ये नॉर्मल बिल्कुल यूज़ के लिए? नॉर्मल यूज़ के लिए, बाकी हैवी मॉडल जो है वो अभी मेरे पास यूज़ के लिए नहीं है, सारे नॉर्मल बिल्कुल नहीं। आजकल ये भी प्रोफेशनल यूज़ में हो जाते हैं, हर बंदा इस्तेमाल करके निकाल लेता है। अच्छा खुर्रम साहब, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग के लिए कोई अच्छे माइक दिखाएं जो व्लॉगिंग वगैरह में बेस्ट हो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जी खुर्रम साहब, ऐसे सीरीज में क्या क्या दिखाने, कौन कौन से माइक आए हैं? देखिए सर, ये तो खैर पुराने ही माइक है बोया का, जो सबसे ज़्यादा व्लॉगिंग के लिए बेहतर से बेहतर चलने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो व्लॉगिंग के लिए सबसे ज़्यादा, ये तो बहुत कामयाब मॉडल है बोया का। फीचर्स के बारे में बताएं? ये मोबाइल में भी है, कैमरे में भी है, लैपटॉप पर भी है, सब पे चल जाता है ये, और सबसे ज़्यादा टॉप क्लास का है ये। अच्छा, वॉइस क्वालिटी कैसी है? अच्छी है, कम बजट में हर लिहाज से बेहतर है, कम बजट में, जिसकी बजट कम है। प्राइस कितनी है? ये 3,000 रुपीज़ का ओरिजिनल जो है, इस पर कॉपी भी आता है, ये ओरिजिनल वाला है, उसको आप स्केच करके चेक कर सकते हैं क्या है ये ओरिजिनल या कॉपी है। ये 3,000 रुपये का, और कॉपी जो होता है वो 2,500-2,200 तक के रेट में होता है। अच्छा, इसकी फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर? इनमें जो कॉर्डिनेट माइक होता है, ये तो बंदा आप आजकल तो इतना ईजी हो गया, खाली इसका मॉडल नंबर और ये डाल के नेट पे आप डालें, वो तो तमाम इसकी स्पेसिफिकेशन भी आ जाएंगी, और यूट्यूब में आप चेक भी कर लें कि क्या क्वालिटी क्या क्वालिटी नहीं है। वो पहले था इसका स्पेसिफिकेशन ये वो, आजकल तो कस्टमर प्रिपेयर्ड होकर आता है। अच्छा, कॉर्डलेस नहीं? नहीं, ये तो शॉर्ट गन माइक है, ये कैमरे के ऊपर लगेगा या फिर मोबाइल के साइड पर लगेगा। जी हाँ, वायरलेस वाला मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे में ये वाला आ रहा है, ये वायरलेस है, ये वायरलेस है, ये वायरलेस है, लेंसगो कंपनी का है, चीप प्राइस में बहुत अच्छी चली है। लेंसगो कंपनी का है, चीप प्राइस में। इसकी प्राइस कितनी है? ये 8,000 का है। 8,000 का। अच्छा, साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी? वॉइस क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है, मतलब आप ये चाहें कि इससे मैं बिल्कुल एंड ले लूँ तो वो एंड नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी है। इसकी रेंज भी अच्छी है, इसकी जो रेंज लिखी हुई है इसमें जो कंपनी क्लेम करती है वो ये लिखा हुआ है, अल्लाह आपको नेकी दे, तो 6 आवर बैटरी टाइमिंग है, और जो कंपनी क्लेम करती है वो 100 मीटर क्लेम करती है। 100 मीटर क्लेम कर जी जी, इसमें मेंशन किया हुआ है 10 माइक्रो USB 50 मीटर, सॉरी 50 मीटर कंपनी क्लेम करती है। 50 मीटर की आराम से कंपनी क्लेम करती है, और अच्छी चीज़ है ये। एक ये मॉडल है, और एक इसी में का ये वाला मॉडल है, ये ड्यूल चैनल में है। ड्यूल चैनल मतलब ये सिंगल आपका है ना, ये आपका खाली सिंगल पर्सन के लिए है, ये ड्यूल पर्सन के लिए, यानी दो पर्सन अगर चाहे तो दो पर्सन। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है? 9,000 का है। अच्छा, रेंज वगैरह सब फीचर सेम जी, है? सब कुछ सेम है, खाली ये बस ड्यूल है और ये सिंगल है। जी हाँ जी, ये सिंगल में नया मॉडल है, सिंगल में नया मॉडल है। ये कौन सा है? लेंसगो, लेंसगो का ही है। ठीक है, सिंगल में ये 9,000 का है सिंगल में, लेकिन ये बिल्कुल स्मॉल साइज में, स्लिम साइज में है, मोबाइल वगैरह में सब में सपोर्ट है, और हर लिहाज से बेहतर है ये। अच्छा, ये बताएं क्वालिटी कैसी इसकी? वॉइस क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी है। मैं बार बार ये बोलूँगा कि 10,000 के अंदर की रेंज के अंदर ही क्वालिटी है, अब आप इससे 30,000 वाली चीज़ देंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, जिसके पास बजट कम है वो प्रोफेशनल तो हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा खुर्रम साहब, व्यूअर्स को ऐसा प्रोफेशनल माइक दिखाएं जो एक दफ़ा लेके जान छूट जाए, क्वालिटी में भी बहुत अच्छा हो और लाइफ टाइम में भी अच्छा हो। जी मैं दिखाया था, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये लाइफ टाइम अच्छा चल जाता है, ये ऐसे चलते सभी हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के ही हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल माइक है, ये बोया का आता है प्रोफेशनल माइक है, ये वाला बोया का प्रोफेशनल माइक है, ड्यूल माइक है ये। इसकी प्राइस कितनी है? ये 23,000 रुपीज़ का है। 23,000 का है। अच्छा, इसकी रेंज? इसकी रेंज 300 मीटर है। 300 मीटर इसकी रेंज है, 300 फिट और 100 मीटर ये लिखा है, मेंशन किया हुआ इसमें 100 मीटर तक की इसके लिए।
ड्यूल पर्सन की, इसमें सिंगल पर्सन भी आता है, सिंगल पर्सन 16,000 का है, ड्यूल वाला 23,000 का है। क्वालिटी वगैरह सबकी सेम है, बेस्ट है, बेस्ट है। इसी के अलावा एक और भी आया हुआ है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। इसके अलावा एक ये लेंस गो का आया हुआ है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेंसगो कंपनी, ये लेंसगो कंपनी का है, लेकिन इसमें ऑप्शन ये दिया है, वो टोटल बोया वाला ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक ऐड करा हुआ है कि मोबाइल में भी सपोर्टेड है और मेमोरी कार्ड भी इसे बिल्ट इन, मतलब मेमोरी कार्ड भी इसमें आप लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड में क्या ऑप्शन होगा? मतलब मेमोरी कार्ड में आप रिकॉर्डिंग कर लें, कैमरे से अटैच ना करें, मोबाइल से अटैच ना करें, जिससे वॉइस रिकॉर्ड कर सकते, खाली वॉइस रिकॉर्ड कर लें आप आराम से, इजीली बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इसकी रेंज कितनी है? इसकी भी रेंज वही लिखा हुआ है, 100 मीटर कंपनी क्लेम करती है, 100 मीटर इसी कंपनी जी, 100 मीटर इसी कंपनी क्लेम करती है, सब मेंशन किया। ठीक है, तो आपने लेंस होगा दिखाया, ये बताएं बोया के मुकाबले कैसा, दोनों में फ़र्क है? 19-20 का कोई खास फर्क नहीं है, बराबर है, दोनों बराबर है। ये भी ये छोड़ के वो भी कर लेंगे, वो छोड़ के ये भी कर लेंगे, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। अच्छा प्राइस कितनी है इसकी? 19,500 डबल में, ड्यूल में, ड्यूल में। अच्छा सिंगल में भी आते हैं? सिंगल में भी आते हैं, वो 14,500 का। अच्छा एक ही हो गया, और एक ही आता है प्रोफेशनल में रॉड का, ये रॉड का है, ये रॉड कंपनी का है, ये तो दी एंड है, मतलब ये तो समझ लें आपका प्रोफेशनल ही यूज़ होता है और हर लिहाज से बेस्ट है, मतलब ये रॉड कंपनी का ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो हर लिहाज से बेस्ट है, हर लिहाज से अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। रेंज कितनी है? ये कंपनी क्लेम करती है 50 मीटर और 7 आवर की बैटरी बैकअप, वारंटी में भी? जी हाँ वारंटी में होता है। इसकी वारंटी कितनी है? 1 ईयर, 1 ईयर वारंटी है। अच्छा पाकिस्तान में क्लेम हो जाती है इसकी वारंटी? इसकी क्लेम हो जाती है, लेकिन वो भी लिमिटेड, लिमिटेड आप समझे, विदाउट वारंटी ही समझे, क्योंकि कंपनी पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन इंपोर्टर जो है वारंटी दे देता है, लेकिन वो भी हो भी गई नहीं भी हो गई तो हम साफ कस्टमर को बोलते हैं भाई ये कंपनी बाहर की है, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो इसकी क्वालिटी कैसी है? वॉइस क्वालिटी एंड है, ये एंड है, ये बहुत अच्छी है, शनाइजर हो गया, बोया जो आपने ड्यूल चैनल वाले बोया और लेंस को दिखाया उससे भी बेहतर है वो तो एक चाइना ब्रांड है, ये तो एक ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड वाइड मेकिंग ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड मेकिंग ये वर्ल्ड वाइड, ये तो रॉड तो कंपनी है, बोया भी बुरी नहीं है, लेंस को भी बुरी नहीं है, लेकिन रॉड जो है रॉड मतलब वो ऐसा है कि अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसका मकसद ये कि ये प्रोफेशनल माइक है और ये काम चलाने के लिए सही है? प्रोफेशनल वो भी यूज़ होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं, अब इस टाइप के जो प्रोफेशनल आते हैं ना वो 70-80 हज़ार रुपये के आते हैं, जो प्रोफेशनल माइक, ये प्रोफेशनल माइक सिंगल जान छोटे जी हाँ जी जी। अच्छा खुर्रम साहब इसके अलावा और क्या दिखाना है? इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ, एक तो आजकल लाइटिंग सेटअप बहुत चलता है वो दिखा देता हूँ आपको मैं, ग्रीन स्क्रीन होती है, ग्रीन स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको मैं, और बाकी सॉफ्ट बॉक्स दिखा देता हूँ आपको लाइटिंग के साथ वाला, वो देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी आपको बुलाना है तो आप नेक्स्ट वीक भी आप आइएगा, उसमें और दिखाऊंगा मैं आपको, ज़रूर देखेंगे। भाई ये है ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, ये ग्रीन स्क्रीन होती है, मतलब ये वीडियो क्रॉप जो एडिटिंग करते हैं ना, एडिटिंग के तौर पे काम आती है, इस पर साइजेज़ होते हैं, 9x4 होता है, 9x5 होता है, 9x8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 9x मतलब 9 आपकी हाइट हो गई, 8 आपकी वीडियो हो गई, मतलब इसमें आपके हिसाब से होता है, जैसे कोई स्टूडियो में हाँ आराम से ये लगा सकते वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग जी हाँ जी हाँ जी। इसमें कॉपियाँ बहुत आती हैं, ये 100% ओरिजिनल वुवन वाला है, मतलब जो वॉशेबल होता है, वॉशेबल होता है और ये डबल शेड में होता है, मतलब हर लिहाज से बेस्ट है ये। अच्छा ये क्रोमा के लिए भी काम आता है? ये क्रोमा ही होता है, इसको क्रोमा ही बोलते हैं, मतलब एडिटिंग के तौर पे इसको जो बोलते हैं ग्रीन स्क्रीन ही बोलते हैं और क्रोमा की भी बोलते हैं, कलर की भी जाना जाता है जी हाँ, कलर की भी क्या है, क्रोमा कहते हैं इसको ज़्यादातर। इसमें साइजेस अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट प्राइजेस के। अच्छा ये किस साइज में है? ये 9x12 साइज में 6,500 का, और 9x4 साइज का आता है 2,000 रुपीज़ का, 2,000 रुपये का ओरिजिनल वाला। इसकी कॉपी तो 500-800 हज़ार रुपये की बनती है, लेकिन उस पर क्वालिटी नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम साहब इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, जो ये लाइटिंग सेटअप होता है, लाइटिंग मैं आपको ऑफ खोल के दिखाता हूँ मैं, ये आपका स्टैंड साथ देते हैं, स्टैंड इसमें लग जाता है आपका ये, और नॉर्मल कोई भी आप इस पर जो है बल्ब लगाइए, अपने हिसाब की लाइटिंग सेटअप बनाइए, और एक सेकेंड इसको पकड़ेंगे इसको ना, स्टैंड इसके साथ नहीं है जी, स्टैंड साथ नहीं आता, लेकिन हम शायद पूरा पैकेज बना के देते हैं कस्टमर्स को ना, ताकि पूरा पैकेज ताकि कस्टमर को पूरा पैकेज चले जाएगा, तो उसमें हाँ बल्ब नहीं देते, बल्ब तो वो नॉर्मल कोई भी बल्ब कहीं से परचेज कर सकते हैं। अच्छा ये फिल्टर है, ताकि फिल्टर है, ये डिफ्यूज़र भी कहलाता है और फिल्टर भी कहलाता है, मतलब ये स्टैंड में लग जाता है, ये 2 चाहिए होते हैं, किसी को 1 चाहिए होते हैं, कोई 1 भी कवर कर सकता है। इसमें सिंगल बल्ब वाला ये रेडी वाला है, इसमें 4 बल्ब वाला भी आता है और 9 बल्ब वाला भी आता है, मतलब इसमें आपकी लाइटिंग के लिए जो है, पहले किसी ज़माने में ये दिखाइएगा, पहले किसी ज़माने में वो लाइटें आती थी,
LED lights आती थी ना ये वाली, तो इसका आप तोड़ है, क्योंकि एक तो ये आउटडोर के लिए तो बेहतर यही चलती है, लेकिन इनडोर में आपका ये है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिंगल बल्ब वाला जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये सस्ता नुस्खा है, सस्ता खर्चा है। इसमें साइजेज़ अलग अलग आते हैं। ये पूरा सेटअप 4000 से स्टार्ट है, 4000 का भी है, 5000 का भी है, 6000 का। इसमें ऑक्टा वगैरह सब आते हैं, जिसको जो चाहिए होगा वो अवेलेबल है स्टैंड के साथ। कंपनी कौन सी है? ये लाइफ कंपनी का होता है। लाइफ कंपनी, ये चाइनीज़ एक बहुत अच्छी कंपनी है जो आपका ये बनाती है। ये लाइफ कंपनी का होता है और हर लिहाज से देखेंगे, मेंशन किया हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसमें लोकल भी आता है। लोकल में क्या होता है कि ये जो टेक्सचर जो बना हुआ है ना, उससे लाइटिंग का शेडो है वो हल्का बन जाता है। अच्छा, इसमें 4 बल्ब वाला भी आता है, मैं आपको 4 बल्ब वाला भी दिखा देता हूँ। जी, ये कौन सा? अच्छा, इसके अलावा ये 4 बल्ब वाला आता है। अच्छा, ये तो रेडी वाला होता है, ये तो आपने डायरेक्ट खोला डायरेक्ट हो गया। ये सॉफ्ट बॉक्स इसमें अलग होता है, स्टैंड अलग होता है और ये अलग, इसमें ये बना, ये मेकिंग करना पड़ता है, मतलब इसको असम्बल करना पड़ता है। ये पूरा सेटअप जो है सिंगल वाला 7000 रुपये का है। सिंगल सेटअप है? हाँ, मतलब इसमें एक सॉफ्ट बॉक्स मिलेगा, एक स्टैंड मिलेगा और एक होल्डर मिलेगा। ये जो है 4000 रुपये का है, जो आप प्राइस की 7000 का, तीनों चीज़ें, स्टैंड 7 फीट स्टैंड होगा, एक सॉफ्ट बॉक्स होगा 50x70 साइज़ का और एक ये होल्डर होगा। और ये जो है ये 4000 रुपये का है रेडी वाला, इसमें स्टैंड साथ है और ये साथ है 4000 रुपये का। कंपनी दोनों की सेम है? लाइफ जी, लाइफ कंपनी के दोनों होते हैं, लाइफ ही कंपनी चलती है इन चीज़ों में ना। इसमें लोकल जो आते हैं ना वो सस्ता पड़ता है। यहाँ पे लाइट के ऑप्शन दिए हैं। जी जी, डबल लाइट जी, ये 4 बल्ब वाले में लाइट का ऑप्शन दिए हैं। 2 बल्ब जाना चाहें 2 बल्ब जला लें, 4 चलाना चाहें 4 जला लें, जो कलर जो वार्म चाहें जो चीज़ चाहें वो आप रख सकते हैं। एडवांटेज ले सकते हैं, अगर आप वाइट चाहें तो वाइट भी लगा सकते हैं। प्रोफेशनल में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, नॉर्मल घर के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। अच्छा, बेसिकली ये कहलाते हैं स्टूडियो लाइट्स। जी, स्टूडियो लाइट्स बोलते हैं इसको आप। आजकल व्लॉगिंग का है, अपने घर में अपना स्टूडियो बनाया हुआ है नॉर्मल सा, जैसे गेमिंग के लिए बना रहे हैं, गेमिंग हो गया, या फिर कोई भी आप इसमें कोई भी काम कर रहे हैं, या जो पॉडकास्ट बना रहे हैं उसके लिए हो गया, वो सब आपका इसमें से आपका कवर हो जाता है। जी खुर्रम साहब, आप क्या दिखाना व्यूअर्स को? ये जो है उसका जो आपको मैंने भी दिखाया ग्रीन स्क्रीन वगैरह, तो उसके लिए पॉडकास्ट के लिए 15 का माइक आता है, जो स्टूडियो माइक कहलाते हैं, ये आता है 15 का। इसके अलावा ये C01U प्रो इसका आता है, सैमसंग का बहुत अच्छा माइक है, ये प्रोफेशनल कंडेंसर माइक है। इसके अलावा ये BM800 जो आपने ना शायद नाम सुना हो पॉडकास्ट में, सबसे ज़्यादा चलने वाला पूरी किट के साथ आता है, ये आता है, इससे पूरी किट है, फिल्टर वगैरह ये सब आते हैं, स्टैंड वगैरह ये वो सब होता है। इसकी प्राइस कितनी है? ये पूरी किट ओरिजिनल वाला जो है 9000 रुपीज़ का है, पूरी किट जो ओरिजिनल वाला है। इसमें जी ये 100% ओरिजिनल है, डायग्राम के साथ है। अच्छा, इसके बारे में बताएं। ये सैमसंग का USB कन्वर्टर है, जो जिसको USB में यूज़ करना है वो ये कर लें। ये कंडेंसर प्रोफेशनल है, एक ये 15 का प्रोफेशनल है, ये वाला। जी जी जी। अच्छा, ये कितने का? ये 10000 का 15 का K669B, ये बहुत कामयाब मॉडल है। अच्छा, ये सारे प्रोफेशनल हैं? सब प्रोफेशनल। स्टूडियो जो पॉड, आजकल जो नया लफ्ज़ आया पॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट को छोड़ के पॉडकास्ट जो लफ्ज़ आएगी उसके लिए है, कि इंटरनल जो घर के अंदर जो है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपने 3 माइक दिखाया, तो ये बताएं सिंगिंग के लिए कौन सा बेस्ट है? ये तीनों सिंगिंग के लिए हैं, तीनों सिंगिंग के लिए, व्लॉगिंग के लिए, जो आपके पॉडकास्ट के लिए, सब के लिए हैं। या क्वालिटी सबकी एक जैसी है? सैमसंग सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी, सबसे अच्छी क्वालिटी सैमसंग की C01U Pro, ये 18500 का है। अच्छा, इसकी प्राइस बताएगा? 18500 का। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताएं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये होता है कि वेरिफिकेशन वगैरह किस तरीके से करते हैं उनकी, जो ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल प्रोडक्ट में और फेक प्रोडक्ट में? यार, ये तो आपने बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा सवाल किया है। आपकी तवस्सुस से मेरे पास क्लाइंट आते थे, तो कस्टमर मुझे बोलते थे कि यार कॉपी जो मुझे सस्ता मिल रहा है, तो उसके लिए हम ये करते थे, जैसे ये होता है इसमें बारकोड दिया हुआ होता है, ये बोया का माइक है, बारकोड दिया हुआ होता है, इसको आपने करना होता है स्क्रैच, ये स्क्रैच करा आपने, ये अच्छा स्कोर से पता चल जाता है कि ओरिजिनल नहीं, स्कोर से तो पता चल जाएगा, कॉपी में भी कोड लिखा हुआ होता है। इसको खाली आपने एक कोड स्क्रैच करके ये स्कैन करना है। फॉर एग्जांपल देखें, ये मोबाइल है ना, मेरे मोबाइल में जैसे कि ये QR स्कैनर का कोड लगा हुआ, ये इस लगी हुई एप्लीकेशन, आपने खाली करना है ये, इसको आपने स्कैन करना है, ये स्कैन कर लिया इसने खुद ही, ये हो गया। अब आपने इसको ओपन कर लेना है, जब ओपन करेंगे आप तो ये खुद बखुद आपकी वेबसाइट में चले जाएगा, और ये अभी जब लोडिंग होगी तो यहाँ पे जो नंबर इसमें मौजूद है, ये नंबर जो मौजूद है ना इसमें, देखेंगे ये कलरफुल, वही नंबर यहाँ पर आ जाएंगे खुद बखुद, देखेंगे अभी लोडिंग हो रही है, ये आ गया, ओके हो गया। इसको आपने इंक्वायरी नंबर लिखे हुआ आ गया, इंक्वायरी करा आपने, ये देखेंगे ये लिखा हुआ आ गया, मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस कलर में ये लिखा हुआ है उसी कलर में, देखें जैसे कि बारीक लिखे हुआ ना, उसी कलर में ये आ जाएगा, और ये कंपनी बता देगी क्या है, ये ओरिजिनल है या कॉपी है। तो एक तरीके का आ रहे हैं फेक प्रोडक्ट को और ओरिजिनल प्रोडक्ट को पता लगाने। ये आपने बहुत अच्छा, ये क्लाइंट के लिए हमारे लिए भी आसानी कर दी, क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेचारे क्लाइंट को खबर नहीं होती, वो 200-300 का लालच कर लेते हैं,
खाली इस पर नहीं है, हर चीज़ में ही है, तमाम प्रोडक्ट्स में आते हैं जी, जो बोया के जितने भी माइक है सब में आते हैं। चलें खुर्रम साहब, बहुत सारी आपने ऐसे दिखाए, आज हमने यहाँ पर माइक भी देखा, यहाँ पर आपने लाइटें भी दिखाई, इसके अलावा कलर क्रोमा की, जो बहुत लोग काम करते हैं क्रोमा कीप का भी एक एडवांटेज आ गया अब कि आप घर में एक स्टूडियो बना के कलर की पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे डिफरेंट कैमरेज देखे, व्लॉगिंग के लिए आपने कैमरे दिखाए, बहुत शुक्रिया। अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0323205-4464 और ये मेरे शॉप का विजिटिंग कार्ड है, आपको जब भी इसमें यही व्हाट्सअप का नंबर है, यही मेरा डायरेक्ट नंबर है 0323205-4464। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर अगर आपके पास आएंगे या कांटेक्ट करेंगे तो आप कमी पेशी कर लेंगे इसमें। कल कभी नाराज़ करें आपको, जो आपको दोबारा करेंगे कभी भी नहीं करेंगे ऐसे, नहीं करेंगे। चलें आपको ज़रूर डिस्काउंट जो भी बेस्ट है बेस्ट प्राइस बताएं, फिर भी जो होगा मैं देखता हूँ, जितने जैसा रेट होते हैं मैं खुद बगैर बोले अच्छे से अच्छे रेट में हर क्लाइंट को कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आप व्यूवर्स को पसंद आएगा। आज हमने यहाँ पर कलर की का भी देखा, जो क्रोमा बहुत सारे लोग करते हैं, आज हमें एक एडवांटेज यहाँ पे ये मिला है, कलर की पे भी आप लोग काम कर सकते हैं घर में स्टूडियो बना के। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक प्रोफेशनल माइक देखा, काफ़ी अच्छा माइक था, रॉड कंपनी का था जो खुर्रम साहब ने दिखाया, और बोया कंपनी का ड्यूल माइक भी दिखाया यहाँ पर हमें, तो माइक में भी हमने बहुत सारे माइक देखे। इसके अलावा यहाँ पर जो कैमरे थे, जो खुर्रम भाई ने कैमरे दिखाया व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरे थे लो प्राइस में, वो भी दिखाया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप व्यूवर्स को पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर पेश होगी, जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।